नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी हिंदुस्तान में, हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2019 के महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई यूपी की रणभूमि पर होनी तय है, क्योंकि यूपी पीएम मोदी की है, सीएम योगी की है, तो ये मायावती और अखिलेश की भी है, सोनिया और राहुल की भी है। मोदी की राह पर जिस विपक्षी गठबंधन को बताया जा रहा है सबसे बड़ी दीवार, आज उसी दीवार को ध्वस्त करने के लिए पीएम मोदी ने किया है विकास का प्रहार। देखते हैं पीएम मोदी का यूपी प्लान क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। जो गलत करेगा उसको या तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा या तो जेलों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हृदय से स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी को 60,000 करोड़ का उपहार। यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। मेक इन इंडिया में यूपी बनेगा भागीदार। यूपी के लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। यूपी में विपक्षी गठबंधन भी दमदार। विपक्षी एकता मोदी के विजय रथ की दीवार। कैसे मिलेगा 2019 में यूपी का प्यार? यूपी किसे बनाएगा दिल्ली का सरदार? विकास के प्रहार से टूटेगी दीवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं की शुरुआत की। दरअसल चुनावी साल में विकास की रफ्तार को, इस सौगात को 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे लखनऊ और वहां पर आज 60,000 करोड़ की 81 परियोजनाओं का उन्होंने इसका यूपी को सौगात दी। उत्तर प्रदेश का रण बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में इसी प्रदेश में सबसे ज्यादा दमदार दिख रहा है। यही वजह है कि साल भर पहले से यूपी को लेकर बीजेपी गंभीर है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। 2019 में 2014 का प्रदर्शन दोहराने के लिए क्या है पीएम का प्लान, या फिर विपक्षी गठबंधन धो देगा यूपी में जीत का अरमान? आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास की सौगात देते नजर आए, यूपी को 60,000 करोड़ का उपहार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश के विकास में उद्योगपतियों की भी अहम भूमिका है। भ्रष्टाचारी या तो जेल जाएंगे या देश छोड़ेंगे। विकास के प्रहार से 2019 की हुंकार यहां पर भरते नजर आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता की राह यूपी से होकर गुजरती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में आती हैं। और चुनावी साल में विकास को रफ्तार के सौगात को 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष महागठबंधन कर रहा है, वहां प्रधानमंत्री मोदी इसे विकास से चुनौती देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को भेजी गई और कमल बाला जी को मिला।
साथियों, मैंने यूपी की 22 करोड़ जनता को वचन दिया था कि उनके प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। आज यहां जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, वो उसी वचनबद्धता का एक महत्वपूर्ण ठोस कदम है। 2014 में यूपी की जनता ने 80 में से 73 सीटें दिलाकर नरेंद्र मोदी पर अपना प्यार बरसाया था। ...2019 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को यूपी से उसी प्यार की दरकार है। और मुझे गर्व है कि मैं भागीदार हूं। चुनावी साल में उत्तर प्रदेश में एक मुश्त 60,228 करोड़ के औद्योगिक निवेश की 81 परियोजनाओं की शुरुआत को पीएम मोदी ने विकास को रफ्तार देने वाली बड़ी उपलब्धि बताई। इससे पहले फरवरी में यूपी इन्वेस्टर समिट के लिए भी मैं आया था और मुझे जानकारी दी गई है कि उस समिट के दौरान यूपी में 4.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का इरादा जताया गया था और मुझे प्रसन्नता है उस संकल्प को जमीन पर उतारने की उस कड़ी में आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं और औद्योगिक गतिविधि से जुड़े राज्य से आया हूं। 60,000 कम नहीं होता है जी, 60,000 करोड़ बहुत बड़ा होता है। आपको अंदाज नहीं है आप लोगों ने कितना बड़ा अचीव किया है। मैं यहां के अफसरों को भी बधाई देता हूं। इन सारे संकटों को पार करते हुए 5 महीने के भीतर भीतर ये मोमेंटम लाना, 60,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश का काम प्रारंभ होना, ये अद्भुत सफलता है जी। मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। यूपी ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। इस राज्य में देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, लेकिन देश के विकास का रास्ता यूपी से नहीं गुजरता। यूपी कभी देश के विकसित राज्यों में शुमार नहीं किया जाता। जो विकास हुआ भी है वो खास इलाके या शहर तक सीमित होकर रह गया है। राज्य की जनता को इसका फायदा नहीं मिल पाया। देखिए, साइकिल की ट्यूब में इतने पॉइंट हवा भरने से सफिशिएंट हवा भर जाती है, फिर साइकिल चलती है। लेकिन कभी कभी उस ट्यूब में एक कोने में फुग्गा हो जाता है, गुब्बारा हो जाता है। अब मीटर देखोगे तो मीटर तो ठीक लगेगा, हाँ यार इतना पॉइंट हवा गई, लेकिन वो साइकिल चल नहीं पाती, वो हवा ही रुकावट बन जाती है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी भूभागों को अवसर मिले, संतुलित विकास हो। संतुलित विकास है उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अकेले नोएडा गाजियाबाद की दुनिया से नंबर तो ऊपर जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। और उस काम को जिस किया है, और आज मुझे खुशी है कि सारी चीजों को बारीकियों से हम बताया गया जनता के सामने, ये सारे इनिशिएटिव मैं समझता हूं बधाई के पात्र हैं। और किसी अखबार वाले के हत्थे चढ़ गया। दशकों से विकास का इंतजार कर रहे यूपी को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि इस रात का सवेरा बस होने ही वाला है। यूपी की तस्वीर बदलने वाली है, यूपी के लोगों की तकदीर बदलने ही वाली है। विकास का प्रतीक है। पूरे उत्तर प्रदेश में तेज इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या फिर आईटी सेंटर स्थापित करने का काम, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के विकास को नई गति, नई दिशा और नौजवानों को नया अवसर देने वाला है। ये हमारी सरकार के उस व्यापक प्लान का हिस्सा है जिसके तहत हम डिजिटलाइजेशन के साथ साथ सामान्य मानवीय के जीवन को सरल बनाना चाहते हैं।
विकास विकास और विकास। पीएम मोदी ने बार बार विकास का जिक्र किया, विकास पर जोर दिया और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को भी ये संदेश दिया कि विपक्षी दलों के नेता जिस विकास को गुमशुदा करार दे रहे हैं, जिस विकास से बीजेपी के हटने का आरोप लगा रहे हैं, उसी विकास के हथियार से वो गिराने जा रहे हैं विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती की दीवार। लेकिन क्या विकास के प्रहार से गिरेगी ये दीवार? आगे करेंगे इसी पर बात, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश का रण बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इसी प्रदेश में सबसे ज्यादा दमदार नजर आता है। यही वजह है कि साल भर पहले से यूपी को लेकर बीजेपी गंभीर है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहे हैं। 2019 में 2014 का प्रदर्शन दोहराने के लिए क्या है पीएम का प्लान, या फिर विपक्षी गठबंधन धो देगा यूपी में जीत का अरमान? आइए जानते हैं। साल 2014 में मोदी नाम की सुनामी में पतवार की तरह बह चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2019 में खुद को बहने से बचाने के लिए एक नाव में सवार होने की तैयारी में है। 2014 में उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीती थी, सहयोगी अपना दल ने जीती थी 2 सीट, समाजवादी पार्टी को मिली थी 5 सीट, जबकि कांग्रेस को सिर्फ अमेठी रायबरेली की 2 सीटें हाथ लगी और बीएसपी का तो खाता भी नहीं खुल पाया था। 3 साल के बाद साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो 2014 से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के तमाम दावे पीएम मोदी के मैजिक के आगे धाराशायी हो गए। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने पहली बार यूपी में 325 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की, बीएसपी को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित किया कि उत्तर प्रदेश ने 2014 में बीजेपी पर जो भरोसा जताया था वही भरोसा 2017 में भी बरकरार रहा, लेकिन 2018 में ये तस्वीर बदलती दिखी, क्योंकि बीजेपी यूपी की 2 बेहद अहम सीट लोकसभा उपचुनाव में हार गई और 4 साल में पहली बार एसपी बीएसपी गठबंधन ने रोक दिया बीजेपी का विजय रथ। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने गवा दी 2 अहम सीट, गोरखपुर और फूलपुर दोनों सीटों से समाजवादी पार्टी जीत गई। इन नतीजों ने एक ओर जहां विपक्षी दलों को मोदी मैजिक रोकने का फॉर्मूला दिया, वहीं बीजेपी के माथे पर भी सिकन ला दिया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण में विपक्षी नेताओं के चेहरे 4 साल में पहली बार चमकते दिखे तो ये इसी फॉर्मूले के मिलने का असर था। और यूपी में ही जब विपक्षी गठबंधन ने 3री लोकसभा सीट भी उपचुनाव में जीत ली, कैराना से गठबंधन समर्थित आरएलडी को जीत मिली, तो फिर ये भी करीब करीब तय हो गया कि देश में विपक्षी गठबंधन बने या न बने, यूपी में विपक्ष के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। एसपी और बीएसपी को मिले वोट प्रतिशत जोड़ने पर विपक्षी गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखता है। सीटों में वोट फीसदी को बदलने पर एसपी बीएसपी को मिल सकती है 57 लोकसभा सीट। बीजेपी की सीटें 2014 की 73 सीटों की तुलना में घटकर 23 तक गिर सकती है। ये आंकड़े बीजेपी खेमे की चिंता बढ़ाने वाले हैं। यही वो चुनौती है जो विपक्षी गठबंधन बनने से पहले ही बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है। हालांकि बीजेपी दम ठोक कर ऐलान कर रही है कि उसे 2019 में 2014 की तरह ही शानदार जीत मिलेगी। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जो विजय हमने 2014 में प्राप्त की थी उससे भी बड़े अंतर से 2019 में हम लोकसभा के चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का काम करेंगे। सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी को जनता जनार्दन के बल पर, कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर के आधार पर हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये जीत अगर कोई दिला सकता है तो वो है मोदी मैजिक। इसीलिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बनाया है मोदी का यूपी प्लान, जिसके तहत यूपी में पीएम मोदी की सक्रियता दूसरे राज्यों से ज्यादा होनी तय है।
पीएम की लगातार रैलियां और कार्यक्रम अब से लेकर 2019 तक यूपी में आयोजित करने की कार्य योजना है। विकास योजनाओं पर 2019 से पहले युद्ध स्तर पर काम करना है ताकि जनता के बीच उपलब्धियां रख सके बीजेपी। पीएम मोदी के चेहरे को आगे करके यूपी की जनता को बीजेपी सरकार के विकास पर भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों की पूर्व सरकारों पर लगातार आक्रामक हमला बोलना। पिछले 10 दिन में आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और अब लखनऊ में 4 दिन गुजारने वाले पीएम मोदी एक ओर विकास तो दूसरी ओर विपक्ष पर प्रहार में कसर नहीं छोड़ रहे। हम वो लोग नहीं है जी जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं, वरना कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी एक फोटो आप नहीं निकाल सकते किसी उद्योगपति के साथ, लेकिन एक देश का उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। ये अमर सिंह यहां बैठे उनके पास सारा हिस्ट्री निकाल देंगे। पीएम ने कोयला घोटाले पर परोक्ष तंज कसते हुए अपनी सरकार के विकास का हवाला दिया। जो कोयले का नाम सुनते ही देश में जो कोयला कभी काली का कारण बना था वो आज रिकॉर्ड स्तर पर पैदा हो रहा है। आज कोयले की कमी चलते पावर ग्रिड फेल नहीं होते। इतना ही नहीं, बिजली के क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं उनसे देश और देश के सामान्य जन के हजारों करोड़ रुपयों की बचत हुई है। उदय योजना ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नई लाइफलाइन दी है। उजाला के तहत घर घर में जो एलईडी बल्ब लगाए गए उससे 3 वर्षों के दौरान बिजली के बिल में करीब, और ये मेरे खास करके मध्यम वर्गीय परिवार जो बिजली के उपभोक्ता है नगर।